गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी न्यू वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन टू. द लेसन इज थ्री लिटिल पिग्स. द न्यू वर्ड्स आर, फर्स्ट न्यू वर्ड इज एंड. एंड का मतलब होता है और. सेकेंड इज बैड, बैड मीन्स बुरा. थर्ड इज बिग, बिग का मतलब बड़ा. नेक्स्ट इज बट, बट का मतलब लेकिन. नेक्स्ट नॉट, नॉट मतलब नहीं. वन, वन मतलब एक. पिंक, पिग मतलब सुअर. द, द, द मतलब वह. वास, वास मतलब था. नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट. द नेक्स्ट टॉपिक इज रीडिंग इज फन. दिस इज इन पेज नंबर 10 ऑफ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पिग्स वेयर देयर. द आंसर इज देयर वेयर थ्री पिग्स. इन दिस टॉपिक सेकेंड क्वेश्चन इज वट डिड द बिग उल्फ से टू द पिग्स. द आंसर इज द बिग उल्फ सेड टू द पिग्स दैट ही विल हफ एंड पफ एंड ब्लो देयर हाउस डाउन. Now the next topic on that page number is let's talk. The first question in this topic is was the wolf good or bad? And the answer is the wolf was bad. The next question is what is your house made of? आपका घर किस चीज से बना है? My house is made of bricks, cement, etc. मेरा घर ईंट, सीमेंट और आदि चीजों से बना है. Now the last topic in this page number is let's share. Who is good? The pigs were good. वो pig जो थे अच्छे थे. Now the next question is who is bad? The answer is the wolf was bad. वो जो भेड़िया था वो बुरा था. तो इस poem, sorry, ये story जो था the three little pigs, इसमें हमने पढ़ा था कि तीन पिग्स थे, उनके नाम थे सोनू, मोनू और गोनू, और एक भेड़िया था जो बदमाश था और उनके घरों को वो उड़ा देता था फूंक कर. ठीक है, तो अब हमने ये पेज नंबर 10 को कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट पेज नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में करेंगे. ठीक है, और तब तक के लिए होमवर्क में आप इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को अपनी इंग्लिश की कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे. ठीक है, Till then, stay safe and stay at home. Thank you, my dear students.